सो हाय दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य राज और आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग वी एन ऐप के अंदर अपनी वीडियोस वगैरह को एडिट करते हो और दोस्तों आप वी एन ऐप के अंदर आप जो ऑडियो है उसको आप सिंक कैसे कर सकते हो। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने अपना एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड किया अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, दोस्तों उसके साथ एक ऑडियो रिकॉर्ड हुई। लेकिन दोस्तों, आप सभी को पता है फ़ोन का माइक जो है वो उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं होता, इसलिए दोस्तों मेरे जो फ़ोन का माइक से जो ऑडियो रिकॉर्ड हुआ था वो उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था। साथ साथ दोस्तों, जब मैंने उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर रहा था तब दोस्तों मैंने एक एक्सटर्नल माइक का भी यूज़ किया अपनी जो ऑडियो है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। अब दोस्तों बात ये आ जाती है कि आप कैसे यहाँ पे अपना जो ऑडियो है उसको आप रिमूव करके आप इस माइक वाले ऑडियो को आप कैसे लगा सकते हो, यानी कि टोटली आप अपने वीडियो के साथ अपनी जो एक्सटर्नल ऑडियो है उसको आप सिंक कैसे कर सकते हो, ये चीज़ मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी सिंपल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि अपना जो वी एन ऐप है उसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से यहाँ पे मैं अपना जो वी एन ऐप है उसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल से आप सबको पता होगा कि एक न्यू प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसकी मैं ऑडियो को रिमूव करके एक दूसरा ऑडियो लगाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस ऑडियो को दोस्तों हम क्या कर लेते हैं कि अपना जो वी एन ऐप है उसके अंदर लेके आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है कि आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो एक ऑडियो का आपको एक बटन देखने को मिल जाता है, यानी कि म्यूजिक वाला। दोस्तों आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आपको म्यूजिक वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका एंड्रॉइड है तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आप सभी लोग को पता है कि कैसे यहाँ पे इंपोर्ट करना है। अगर दोस्तों आपका आईफोन है तो दोस्तों सबसे पहले उस ऑडियो को आपको अपने फाइल मैनेजर के अंदर सेव करना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर के अंदर सेव करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू एल्बम के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करके अपना जो इंपोर्ट म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके आप फाइल मैनेजर के अंदर से आप यहाँ पे वी एन ऐप के अंदर लेके आ सकते हो अपने ऑडियो को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरी जो एक ऑडियो है ये वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कैनन M50 Mark II के नाम से। अब ये ऑडियो इसलिए अलग है क्योंकि दोस्तों मैंने इसको सेपरेट माइक में रिकॉर्ड किया था और साथ ही साथ दोस्तों एक ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में मैंने इस ऑडियो को यहाँ पे एडिट कर रखा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको आपको सिंपली यूज़ वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप फेड इन और फेड आउट आप यहाँ पर जीरो रख लेना। ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम आप चाहो तो बढ़ा सकते हो लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टिक वाला बटन देखने को मिल जाता है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको आगे क्या करना है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपको दोस्तों इन दोनों ही ऑडियो के अंदर, यानी कि ये जो वीडियो के साथ ये ऑडियो है और ये हमारा जो अलग से ऑडियो है, इन दोनों के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे ऑडियो के अंदर वेव्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इन्हीं को मैच कराना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा जो एक्सटर्नल ऑडियो है वो ये वाला है, ऊपर वाला जैसे कि आप देख पा रहे हो ये ब्लू वाला। दोस्तों सबसे पहले यहाँ को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि ये आगे वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, ये मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब डिलीट करने के बाद दोस्तों ध्यान से देखना यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि जैसे कि आप देख पा रहे हो आपको कुछ इस तरह से एक लाइन देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको नीचे वाले ऑडियो को जूम कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो ऑडियो है यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इसको हम पकड़ के थोड़ा सा हम आगे लेके आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो लाइन है इसको आपको सबसे पहले इस जो ऑडियो की जो वेव लेंथ है इससे आपको मैच कराना होगा, यानी कि आपकी जो ऑडियो है वो कहाँ स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी जो ऑडियो है ये स्टार्ट हो रही है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली इस ऊपर वाले ऑडियो को पकड़ के आपको क्या करना है कि इसी सेम जो यहाँ पे लाइन है इसके ऊपर आपको मैच करा लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा क्रॉप करके इसको आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरी जो नीचे वाली ऑडियो है ये स्टार्ट हो रही है और इसको आप यहाँ पर सिंपली ड्रैग करके आपको इसको लेके आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एडजस्ट करने की थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से आप इसको मैच करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप बिल्कुल एक्यूरेटली यहाँ पे मैच करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो थोड़ा थोड़ा करके आपको धीरे धीरे यहाँ पे मैच कराना है। और सो यही काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो लोग भी यहाँ पे बिगनर से वो लोग मैच नहीं करा पा रहे हैं। अब दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरी जो दोनों ही ऑडियो है वो एग्जैक्टली मैच कर रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो जहाँ जहाँ यहाँ पे वेवलेंथ है वो सारा सेम है। तो उसको कुछ इस तरह से आप ऑडियो मैच करा सकते हो। उसके बाद दोस्तों नीचे वाली ऑडियो को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको आप ट्रैक करके दोस्तों आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरी जो ऊपर वाली ऑडियो है वो मेरे वीडियो के साथ यहाँ पे मैच हो चुका है। अब दोस्तों जो भी एडिटिंग आप चाहो वो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। दोस्तों आई होप आप सब लोग को आज का जो वीडियो था ये आप सब लोग को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप ऐसे काफ़ सारे वीडियोज को देखना चाहते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।